हालांकि हम क्या चीज खाते हैं ये ज्यादा अहम है बनिस्बत इसके कि हम कितनी कैलोरीज खाते हैं। हमें चाहिए कि हम हेल्दी फूड खाएं। चुनांचे घर में जो आसान जगह हैं, उन पर फ्रूट और ड्राई फ्रूट को रखना एक अच्छी आदत है। मेज पर, आसान जगहों पर जहां बच्चे भी खा सकें और बड़ों को जरूरत हो तो वो भी खा सकें। हमारी जिंदगियों में खाने पीने में चीनी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है। ये टॉक्सिन है। चुनांचे साइंटिफिक रिसर्च ने ये बताया कि इंसान के जिस्म में जो ट्यूमर ग्रोथ होती है, शुगर उसके लिए फ्यूल का काम करती है। दिल की बीमारी के लिए शुगर फ्यूल का काम करती है। साइंस ने ये बतलाया कि लोग कोकीन की निस्बत शुगर की वजह से ज्यादा मरते हैं, हालांकि हमारे जिस्म को डायरेक्ट शुगर की जरूरत ही नहीं होती। जो फ्रूट और सब्जी से शुगर मिलती है वो हमारे जिस्म के लिए काफी होती है। जानवरों को देखें कि वो सब्जी खाते हैं और उनकी सेहत कितनी अच्छी होती है, उनको वहीं से शुगर मिल जाती है। जिस तरह इंसान को सिगरेट की आदत हो जाती है, इसी तरह लोगों को शुगर की आदत होती है। चुनांचे वो मीठी चीजें खाने के आदि बन जाते हैं। एक सवाल कि अगर सब्जी खाएं तो सब्जियों में से कौन सी सब्जी बेहतर है? इसका जवाब यह है कि गो फॉर ग्रीन। जो सब्जी सब्ज है आप उसको बेधड़क इस्तेमाल कर लें। ब्रोकली, स्पिनेच, काली सेलरी, बोक चॉय, क्यूकम्बर, डार्क लीफी ग्रीन्स, जुकीनी और पेपर, ये तमाम की तमाम सब्जियां ये हेल्दी फूड में शामिल हैं। फिर उसके बाद रेड एंड ब्लू वेजिटेबल्स, एप्पल, पेपर, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी, टोमेटो, ये भी इंसान के लिए एक अच्छा चॉइस है। अगर आप अपने खाने पीने पर गौर करें तो वी आर एडिक्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स जैसे व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, पास्ता, ये तमाम चीजें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इसकी वजह से हमारी सेहत ज्यादा खराब होती है। मोटापे पर जितनी रिसर्च की गई तो पता ये चला कि मोटापा फैट खाने की वजह से नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से होता है। हमें चाहिए कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को वेजिटेबल और फ्रूट के साथ रिप्लेस करें। खाने पीने में टाइमिंग का भी बहुत दखल है। अगर आदमी भूखा हो तो देखा है कि उस वक्त उसको जो चीज मिल जाए वो खा लेता है, चाहे उसमें क्रीम हो और चाहे वो हेल्दी फूड ना हो। इसलिए अगर अपने वक्त पे खाना खाएं तो उसका फायदा ज्यादा होता है। जब इंसान दूसरे आदमियों के साथ खाना खाता है तो पहला बंदा जो ऑर्डर करता है उससे खाने का एक नॉर्म सेट हो जाता है। तो कोशिश करें कि जब आप मिलकर खाना खा रहे हैं तो आप खुद पहल करें और सैलड से शुरू करें या फ्रूट से शुरू करें, ताकि बाकी लोग भी हेल्दी खाना खाएं। एक अहम सवाल कि खानों में सबसे बेहतर तरतीब क्या है, तो ये चीज साइंटिफिक रिसर्च से साबित हो चुकी कि खाने की तरतीब में फ्रूट और वेजिटेबल सबसे बेस्ट हैं। चुनांचे एस्पेरिगस, एवोकेडो, बीन, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, चिकपीज, कॉलर ग्रीन, लेंटिल दाल, पीज और स्पिनेच, साग जिसको कहते हैं, ये तमाम की तमाम सबसे बेहतरीन हेल्दी फूड है। ये नंबर वन पे आती है। फिर दूसरे नंबर पर नट्स आते हैं, आलमंड, कैशी, पीनट, पीकान, पिस्ताशियो और वॉलनट, ये दूसरे नंबर पर हेल्दी फूड है। और तीसरे नंबर पर फिश आती है, सैल्मन और ट्राउट वगैरह।
चौथे नंबर पर व्हाइट मीट आता है जैसे चिकन वगैरह, और पांचवें नंबर पर डायरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, योगर्ट, चीज, इनका पांचवा नंबर है, और छठे नंबर पर रेड मीट जैसे टी बोन, बीफ या लैम का, और सातवें नंबर पर जो सबसे बुरा फूड होता है वो प्रोसेस्ड मीट होता है, लंच मीट, हॉट डॉग, सलामी, ये सबसे आखिरी दर्जे का यानी नुकसानदेह फूड है। सब्जियों में और फ्रूट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं।